आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। पांच राज्यों में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के भीतर एक तरफ से नाराजगी नजर आ रही है। इस करहल के बीच आज अब जो है G23 समूह के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने आवास पर बैठक करने का फैसला लिया है। सूत्रों ने बताया कि G23 समूह के नेताओं ने कई ऐसे कांग्रेस नेताओं को भी आमंत्रित किया है जो इस समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन वे महसूस करते हैं कि पार्टी में बदलाव जरूरी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पांच राज्यों में जो अध्यक्ष है उनसे इस्तीफा की मांग की है। यह बैठक ऐसे समय में हो रहा है जब इस समूह के प्रमुख सदस्य सिब्बल ने एक साक्षात्कार में कहा था कि गांधी परिवार को कांग्रेस नेतृत्व छोड़ देना चाहिए और किसी अन्य नेता को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। पूर्व केंद्र मंत्री वीरप्पा मोइल भी इस समूह में खुद को अलग कर चुके हैं और इस दोनों सदस्य जीतने प्रसाद और दोनों अन्य सदस्य जतिन प्रसाद और योगानंद शास्त्री पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में कांग्रेस की करारी हार के बाद एक तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस अब जो है लगातार मीटिंग कर रहा है। पांचों चुनावी राज्यों में पार्टी अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग भी की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस निर्देश के कुछ देर बाद ही उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लालू ने भी अपनी प्रतिक्रिया की घोषणा की है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप ने भी बताया कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लालू और उत्तराखंड के अध्यक्ष गणेश को इस्तीफे की मांग की जा रही है और उन्हें इस्तीफा देने को कहा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन पांच राज्यों में हार के बाद क्या कांग्रेस इस इस्तीफे से कुछ बदलाव लेकर आती है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब इस परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और सोनिया गांधी को अध्यक्षता छोड़ देनी चाहिए। वहीं सोनिया गांधी जो है वो लगातार इन पांच राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफे की मांग कर रही है, जिसमें से कई अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो एक्शन प्लान है कांग्रेस का वो आगे चलकर काम में आता है या फिर सरकार और भी गिर जाएगी, उनकी जो पार्टी है वो और भी बैलेंस रूप में नजर नहीं आएगी। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव। धन्यवाद।